Welcome to Excel Meta screen. Let's go to Excel. This is our Excel on mobile phone screen. Today आज हम आपको ये समझाएंगे कि इस स्क्रीन के अलग अलग पार्ट कैसे काम करते हैं. सबसे पहले स्क्रीन पे आपको टॉप ऊपर ये फाइल का नाम दिखेगा. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है फेमिलियरिटी विथ एक्सेल स्क्रीन, दैट इज नेम ऑफ द फाइल एंड इट इज सेम वर्किंग ऑफलाइन. मीन्स अभी फाइल ये सेव नहीं कर रहा है. सेकंड थिंग, ये यहां पे आपको जो दिख रहा है ये एरो आपको एक्सेल से बाहर ले जाता है. जब भी एक्सेल में आपका काम खत्म हो गया तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो एंड यू विल बी आउट फ्रॉम एक्सेल. योर फाइल विल बी विजिबल ऑन टॉप. आपकी फाइल सबसे ऊपर दिखेगी, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर से एक्सेल में वो फाइल खुल जाएगी. उसके बाद में नेक्स्ट, ये जो है एक कैपिटल ए है और साथ में पेंसिल बता रहा है, ये मेनू ओपन करता है. इसको क्लिक करने से यहां मेनू नीचे ओपन हो जाता है जिसमें आप अलग अलग काम कर सकते हो. ये मेनू में अगेन यहां पे मेनू का लिस्ट आता है. फिर से एक बार बताता हूं, ये यहां पे आपको मेन मेनू का कौन सा नाम है वो दिखता है. उसके ऊपर क्लिक करने से मेनू का लिस्ट आता है, उसमें से आपको जिसमें काम करना हो उस मेनू पर क्लिक कर सकते हैं. वो मेनू यहाँ पूरे एरिया में नीचे दिखेगा और उसके अंदर उसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि पूरे ऑल द सभी टूल उसमें आप देख पाओ और जो भी वर्क करना हो कर पाओ. ये जब काम आपका फिनिश हो जाए तब यहां एरो है, ये डाउन एरो पर आप क्लिक करोगे तो वो मेनू वापस मिनिमाइज हो जाएगा. ये मैंने मेनू को मिनिमाइज किया. तो अब आपको और फिर से मैक्सिमाइज करना हो तो यहां नीचे राइट हैंड साइड में जो ट्राइंगल है उस पर क्लिक करने से वापस मैक्सिमाइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. फिर से क्लिक करने से छोटा. उसके बाद आपको ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल दिखेगा जहां से आपको कोई वर्ड ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो. उसके बाद में एक ये सिंबल अभी जो इनेबल नहीं है वो दिख रहा है, ये अंडू का सिंबल है. ये बहुत यूजफुल है. सपोज मैंने यहां कुछ टाइप किया, लेट्स से मैंने यहां लिखा BOOK बुक. इसको टाइप करने के लिए पहले तो इस सेल में मेरे को डबल क्लिक करना पड़ेगा तो नीचे कीबोर्ड खुल जाएगा. फिर मैं यहां टाइप करता हूं और बाद में एंटर की पर प्लेस करता हूं तो वो टाइपिंग पूरा होके सेल कर्सर नीचे चला जाता है. अब मुझे ख्याल में आया कि नहीं, मेरे को तो यहां बुक नहीं टाइप करना था, मेरे को यहां और कुछ टाइप करना था, तो उसको मैं अंडू कर सकता हूं. उसके पहले कीबोर्ड को रिमूव करना होगा. उसके लिए मोबाइल फोन पर बैक बटन दबाने से कीबोर्ड चला जाता है. जैसे ही कीबोर्ड चला जाता है ऊपर का मेनू और ऊपर का टूल बार आपको वापस दिखता है जिसमें ये अंडू का कमांड आपको रेड सर्कल में दिख रहा है. उस पर क्लिक करने से जो भी काम मैंने किया है वो चला जाता है और दूसरा कुछ मुझे टाइप करना है वहां तो कर सकता हूँ. ये सिर्फ टाइपिंग के लिए ही नहीं, अपन ने कोई कॉलम डिलीट कर दिया, कोई रो डिलीट कर दी, कोई वर्ड डिलीट कर दिया, सेल डिलीट कर दिया, तो उसको भी अंडू कर सकता है. जैसे ये नोटबुक यहां मैंने लिखा है, इसके ऊपर फिर से क्लिक करने से मुझे ये मेनू मिला, उस पर मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो नोटबुक क्लियर हो गया. अभी वहां नोटबुक लिखा हुआ नहीं दिखता है. अभी मैं अंडू पे क्लिक करूंगा तो नोटबुक वापिस आ जाएगा.
इस तरह से आपने कुछ गलती करी है, कुछ बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है, तो उसको अंडू कर सकते हैं। उसके बाद में शेयर बटन है, अगर आपको फाइल किसी को व्हाट्सएप से या ईमेल से भेजनी है तो उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ मेनू के थ्री डॉट दिख रहे हैं, तीन टब के दिख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो टॉप मेनू खुलेगा। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेव, आपकी फाइल अगर सेव नहीं हुई है तो इसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। यहाँ ये बता रहा है ऑटो साउंड मिस ऑन, तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो रही है इसलिए यो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इसमें सेव एज है, इसमें ये आपको अगर इस फाइल का नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, कहाँ सेव करनी हो, जगह चेंज करनी हो तो कर सकते हो, वो सब इसमें हो सकता है। फाइल का नाम लेटेस्ट से फेमिलियरिटी विथ एक्सेल स्क्रीन है ये, उसमें मैं यहाँ नंबर उसके बदले मुझे लेटेस्ट से ABC नाम देना है, तो जो भी कुछ नाम देना हो यहाँ टाइप करके फिर मैं सेव पर क्लिक कर सकता हूँ। उसके पहले कीबोर्ड पर डन पे क्लिक करूंगा तो वो नाम वहाँ एक्सेप्ट हो गया। अभी ये सेव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ मुझे वन ड्राइव या दिस डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं दिस डिवाइस सिलेक्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें, और उसके ऊपर सेव इनेबल हो गया है। मैं अब सेव करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाएगा। इसके बाद में एट बॉटम नीचे हमारे पास यहाँ जो बटन है, इस बटन पे क्लिक करने से मेनू मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है, वो पहले भी बता दिया है, और यहाँ पे क्लिक करने से मेनू का लिस्ट आता है। आपको जो भी मेनू में काम करना हो वो उस पर क्लिक करने से वो मेनू यहाँ, उसकी डिटेल यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। और इस मेनू का के बारे में ज्यादा डिटेल अपन नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। एक और चीज समझने जैसी ये है कि जब भी आप ऊपर जाते हो तो आपका टॉप मेनू नहीं दिखता है, वो चला जाता है। उसको वापस लाने के लिए इसको धीरे से उंगली से नीचे खींचना है, नीचे खींचोगे तो ऊपर का टॉप मेनू वापस दिखने लगेगा। ऊपर ये एफएक्स लिखा है, ये एफएक्स इज अ फंक्शन एंट्री और डेटा एंट्री विंडो उसके साइड में है, जहां अभी आपको नोटबुक दिख रहा है। जिस भी स्क्रीन पर आप क्लिक करोगे स्क्रीन में जो होगा वो वहां दिखेगा और उसमें आप एंट्री कर सकते हो। इनकेस आपको ज्यादा लंबी एंट्री करना है तो वहां जो एरो है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये विंडो बड़ी हो जाएगी, फिर से अप एरो पे क्लिक करोगे तो छोटी होगा, डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो बड़ी होगा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखने जैसी है, लेट से अपन ने नोटबुक पर यहाँ क्लिक किया, दूसरी बार जब क्लिक करते हैं तो ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें पहले आपको कैंची दिखती है तो वो कट का काम करती है। सेकंड आपको कॉपी का सिंबल दिख रहा है, दो चीज दिख रही है उससे आप कॉपी कर सकते हो। थर्ड पेस्ट है जो अभी इनेबल नहीं है, कट या कॉपी करने के बाद में ही पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कट करूंगा नोटबुक को, तो मैं कट पे क्लिक करूंगा तो ये नोटबुक लिखा हुआ है कट हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो नोटबुक के आजू बाजू आपको चलती हुई लकीरें दिख रही है, वो बताती है कि नोटबुक यहाँ से कट किया हुआ है। अब मुझे कहाँ पेस्ट करना, मेरे को अगर यहाँ पेस्ट करना है, मैंने दूसरा सेल सिलेक्ट कर लिया क्लिक करके जहाँ मुझे पेस्ट करना है, उस पर फिर से मैंने क्लिक किया तो लाइन या बेंड वापिस आ गई। उसमें थर्ड ऑप्शन इज पेस्ट, जो ऑरेंज कलर की शेड उसके आजू बाजू है उस पे मैं आपको उसको सर्कल करके बताता हूँ। ये आपका पेस्ट का ऑप्शन है, इस पेस्ट में आप क्लिक करोगे तो आपका जहां पे कर्सर था वहां पे नोटबुक पेस्ट हो जाएगा, और जहां सबसे पहले नोटबुक जहां पे था वहां से वो अभी पूरा कट हो गया और यहाँ पेस्ट हो गया। और इसकी मुझे एक और कॉपी बनाना है तो उस पर क्लिक किया फिर से नोटबुक पे,
दोबारा क्लिक किया तो वो पट्टी आ गई, उसमें मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो अगेन स्केल आजू बाजू आपको लाइन दिख रही है घूमती हुई, लेकिन इस बार कॉपी हुआ है। तो उसको मैं यहाँ वापस कॉपी करना चाहता हूँ सेल A6 में, तो वहाँ मैंने क्लिक किया, फिर से क्लिक किया तो वो पट्टी वापस आ गई। अब मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो नोटबुक की एक कॉपी यहाँ पेस्ट हो गई, अब नोटबुक दो जगह हो गई। तो ये कट कॉपी पेस्ट काफ़ी यूजफुल चीज़ है। उसके अलावा इसमें कुछ और काम है, ये क्लियर दबाने से वो चीज़ मिट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्लियर दबाऊंगा तो ये सेकंड नोटबुक है वो क्लियर हो जाएगा, मैंने क्लियर दबाया तो वो क्लियर। उसके अलावा एडिट तो नॉर्मली अपन डबल क्लिक करके एडिट टाइप करते हैं, वही फंक्शन देता है। तो ये सभी एक्सेल स्क्रीन के मेजर पार्ट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर जो यहाँ टॉप पार्ट है ABCD आपको दिख रहा है, ये इस पार्ट में, इसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं। और उस कॉलम हेडिंग पर क्लिक करने से पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है और उस कॉलम की विड्थ आप चेंज कर सकते हो। उस कॉलम पे फिर क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको मेनू मिलेगा, उस मेनू में फर्दर वर्क कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ ये 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये उसको रो हेडिंग बोलते हैं। उसमें किसी भी एक नंबर पर आप क्लिक करोगे तो वो रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, और उसी तरह उस रो की हाइट आप बढ़ा सकते हो। उसमें आप क्लिक करके, क्लिक करने से नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं यहां पर, उस ऑप्शन में जस्ट वन मिनट,